वेलकम टू लाइव मेनियक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे याचिका में और उसके ऊपर जो सुनवाई हो रही है, जो याचिका दायर की गई है उसके ऊपर जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्या क्या कहा और सरकार ने अपने पक्ष में जो हलफनामा वहां पे दाखिल किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा, और देर रात को एक प्रेस रिलीज में जो कि किसान यूनियन की तरफ से आई है उसमें वो क्या कहते हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला वो मैं ब्रीफ में आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि बाद में इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस मुद्दे पे बताऊंगा कि जो सरकार के द्वारा जो हलफनामा जो एफिडेविट वहां पे दाखिल किया गया है कोर्ट में, उसमें कुछ एक ऐसा पॉइंट लिखा गया है जिसके बाद की जो हमारे किसान नेता हैं, जो किसान भाई वहां बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, उनका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पे चला गया है और उन्होंने भी एक चीज लिखी है वो मैं आगे आपको बताता हूं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बोलता है कृषि कानूनों पर रोक लगाएं वरना हम लगा देंगे केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आगे लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा, कानूनों पर आप रोक लगा रहे हैं या हम लगाएं यह अहंकार कैसा। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े जी ने कहा, कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली, हो क्या रहा है, बताओ सीजीआई एक भी याचिका नहीं आई है जिसमें कानूनों को अच्छा बताया गया हो। मतलब कि वो खुद भी ऐसा बोल रहे हैं चीफ जस्टिस जी कि अभी तक एक भी ऐसी याचिका नहीं आई है जिसमें कानूनों को अच्छा बताया गया हो, और सरकार को किस तरह का ये अहंकार है कि क्यों वो कानूनों को वापस नहीं ले रही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो कड़ा रुख है जो सरकार के और है, उसके बाद वो और आगे भी लिखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको जानना चाहिए। वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है केंद्र सरकार की और आगे बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि हम नहीं समझते कि आपने इस मामले को सही तरीके से हैंडल किया है, क्योंकि अगर आप देखिए 47 डेज हो चुके हैं आज प्रोटेस्ट को चलते हुए, जो वहां पे जो किसान भाई ठंड में वहां बैठे हुए हैं और 60+ जो किसान है उनका बलिदान हो चुका है अब तक, तो इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा इशू है, हमें सोचना चाहिए इसी। और मुझे लगता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस बात को समझ रही है, और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आगे लिखती है, कोर्ट ने कहा है कि हम अभी कानूनों के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं लेकिन हमारी चिंता मौजूदा ग्राउंड स्थिति को लेकर है जो कि किसानों के प्रदर्शन के कारण हुआ है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि हर दिन जो कि किसान वहां पे खुदकुशी कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये भी बोला है कि किसी दिन हिंसा भड़की और जानमाल का नुकसान हुआ तो हम सब होंगे जिम्मेदार, कि अगर मान लीजिए ये अभी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है या किसी जानमाल का और नुकसान हो जाता है या ये बहुत बड़ा और इशू बन जाता है तो हम इस सब इस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अभी तक 9 राउंड की वार्ता हो चुकी है। 9 राउंड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बैठक अमित शाह जी के साथ में भी हुई थी, इसलिए मैं 9 राउंड की बातचीत बोल रहा हूं जिसमें अभी तक कोई भी नतीजा निकल के नहीं आया है, क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो अभी भी यही बोल रही है कि ये जो कृषि कानून है ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं और उनके फायदे के लिए हैं, और हमारे देश के जो कृषि जो वहां पे बैठे हुए हैं हमारे किसान भाई वो बोल रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए और ये काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। खैर, उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि प्रदर्शनों को रोकने के लिए आदेश नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हुआ कुछ इस तरह से था कि वरिष्ठ वकील हरीश सालवे जी जो बोलते हैं कोर्ट में कि कोर्ट कानूनों पर रोक लगाने की बात कर रहा है तो वह प्रदर्शनों पर भी रोक लगाए। उन्होंने बोला है कि अगर कोर्ट कानूनों पर, जो कि उन्होंने कल बोला था कि स्टे लगाने की बात कर रहा है, तो जो वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर भी रोक लगानी चाहिए। तो इस पे सीजीआई क्या बोलता है अब आप वो भी सुनिए। वो कहते हैं नागरिकों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसे रोके जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ साफ तरीके से मना कर दिया है कि इसके ऊपर हम कोई भी आदेश जारी नहीं करेंगे। आगे अब आप सुनिए, अदालत ने सख्त तेवर दिखाते हुए सरकार को कहा कि किसी राय मशवरे के बिना इस कानून को पारित किया गया जिसका नतीजा यह है कि किसान एक महीने से भी ज्यादा समय से धरने पर बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि सरकार ने बिना किसी भी राय मशवरे के इस कानून को जो है पारित किया गया है, तो इस पे सरकार अपने बचाव के लिए एक पक्ष रखती है और एक हलफनामा दायर करती है, मतलब कि एक एफिडेविट दायर करती है, जो कि उस एफिडेविट में पहले मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूं वो क्या लिखा है। कृषि कानून केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। अब वो उस हलफनामे में क्या लिखा हुआ है, जो कि एक ऐसा वो क्या पॉइंट है जिसके बाद जो कि किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है सरकार के ऊपर, और उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं।
ऊपर तो वो अलगनामे में वही सब चीजें लिखते हैं सरकार की, ये जो कानून है ये देश के हित में है, किसानों के हित में है और इससे बहुत फायदा होगा उनको, वो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि सरकार का ये रवैया दिखाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक तरह से ये बोल दिया है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे और ये कानून इस तरह से मतलब कि बने रहेंगे और इसमें वो रेडी हैं मतलब कि बदलाव करने के लिए, लेकिन वापस लेने के लिए मुझे इसमें नहीं दिखता कहीं पे भी कि सरकार अभी भी इसको वापस लेने के समर्थ में कहीं पे दिख रही है। वो लिखते हैं कि लास्ट लाइन में आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं, सरकार ने अपने अलफनामे में एक बार फिर कहा कानूनों की वापसी की मांग ना तो न्याय संगत है और ना ही केंद्र सरकार को स्वीकार्य है। और उसके ऊपर का जो पैराग्राफ है जिसपे ये लिखा हुआ है कि सरकार ने कहा कि पूरे देश में किसानों ने इस कानून को स्वीकार किया और केवल कुछ ही किसान और दूसरे लोग जो इस कानूनों के खिलाफ हैं उन्होंने इसके वापस लिए जाने की शर्त रखी है। मतलब कि सरकार अभी भी यही कह रही है कि कुछ ही जो स्टेट्स हैं, जैसे कि मेन उनका जो मुद्दा है जो कि हरियाणा और पंजाब की स्टेट के बारे में बोल रहे हैं कि वही जो स्टेट के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो अभी मतलब उन्हीं को प्रॉब्लम है, बाकी जो स्टेट्स के जो किसान हैं वो इसके सहमत हैं, इस जो फार्म बिल्स के जो कानून पे सहमत है और इन्हें वो स्वीकार भी हैं मतलब कि एक्सेप्टेड भी हैं। तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जगह जगह पर हर जगह पे आजकल प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों के संग अपने पुराने वीडियोज में शेयर भी किए थे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं, रैलीज निकाली जा रही हैं और तो और डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स पे यहाँ पे इस सरकार को किसानों को रोकने के लिए आंसू के गोले फेंकने पड़ रहे हैं, वाटर कैनन्स का यूज किया जाना कर रहे हैं ये लोग। तो इससे मैं ये पूछता हूँ कि जब आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोगों को जब बॉर्डर्स पे आप रोक देंगे, आप आगे आने नहीं देंगे, तो किस तरह से दूसरी स्टेट के जो किसान है इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर सकेंगे? और ये न्यूज तो आए दिन आती ही रहती है। फिर भी अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो कि उन्होंने बयान जो कल दिया है किसान यूनियन की तरफ से, जो बयान आया जो प्रेस रिलीज में उन्होंने बोला है कि अब वो इस जो प्रोटेस्ट में वो अकेले ही वहां पे नहीं है और स्टेट्स के किसान भी भाई भी इनके साथ जुड़ चुके हैं। जैसे कि मैं कुछ नाम आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ स्टेट्स के, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, यूके, हरियाणा, यूपी और केरल में भी जो मैंने एक न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की थी रिसेंटली, एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें कि प्रोटेस्ट हुआ था, एक 13 किलोमीटर लंबी एक रैली निकाली गई थी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट में। तो मुझे नहीं लगता कि केवल कुछ ही स्टेट्स के जो फार्मर्स हैं कि अब वो वहां रह गए हैं, और ये चीज उन्होंने अपने बयान में किसान जो यूनियन की तरफ से बयान आया उन्होंने उसमें ये चीज बोली भी है, और जो बयान आया है उससे तो यही निकल के आता है कि केवल अब दो स्टेट्स के नहीं, पूरे देश के सारे स्टेट्स के किसान अब वहां पे आके धीरे धीरे आके जुड़ने लग गए हैं। तो इसके बाद में जब ये बयान आया जो अलफनामे में जो सरकार ने बोला, उसके बाद में जो बयान आता है हमारे किसान नेताओं की तरफ से, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि वो उन्होंने प्रेस रिलीज में क्या बोला है। पहले तो वो ये बोलते हैं, सोमवार देर शाम किसानों ने एक बयान जारी कर कहा कि किसानों की समस्याओं को समझने और सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान दिल को सुकून देने वाले शब्दों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत आभारी हैं। किसानों ने कहा कि कृषि कानून को होल्ड पर रखने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का भी वो स्वागत करते हैं, लेकिन किसान अपने व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के जरिए नियुक्त किसी भी कमेटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। जो कि आप लोगों को मालूम होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक तरह का सजेशन दिया गया था कि एक कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें इस कानूनों को एग्जामिन किया जाएगा, तो उसमें वो लिखते हैं कि वो किसी भी कमेटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके वकीलों ने सोमवार को अदालत में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि किसानों से विचार विमर्श किए बगैर उनको किसी भी कमेटी के गठन पर अपनी सहमति देने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूं जिसके जो कि अलफनामे सरकार के द्वारा जो दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तो बिना किसी राय मशवरे के इस कानून को बनाया गया है, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि लास्ट में कि ये जो कानून है वो रद्द नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर उनकी क्या राय है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, वो क्या बोले किसान भाई इस पे। किसानों ने कहा कि सोमवार शाम उन्होंने अपने वकीलों से लंबी बातचीत की और इसके फायदे नुकसान पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण वो किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब कि जो सरकार का अभी भी जो अड़ियल रवैया है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं और हम इसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इसे वापस लेना स्वीकार नहीं है। तो उसके अड़ियल रवैये को देखते हुए किसानों की तरफ से जो बयान आया है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि हम भी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे और हमें ये तीनों कानून रद्द ही करवाने हैं।
तो इसके ऊपर अब जो भी न्यूज आएगी, जो भी आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, वो मैं आप लोगों के संग डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।